इंदौर में शुक्रवार को होने वाली मैग्निफिसेंट एमपी में करीब 900 उद्योगपति शिरकत करेंगे। उद्योगपति मुकेश अंबानी इस मीट में शामिल नहीं होंगे, लेकिन वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगे। मैग्निफिसेंट एमपी को लेकर मुख्य सचिव सुधीरंजन मोहंती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर आयोजन के संबंध में जानकारी दी। मुख्य सचिव ने बताया कि मीट के लिए 1500 लोगों को इनवाइट किया गया था, जिनमें से 900 उद्योगपति इस इन्वेस्टर मीट में आ रहे हैं। ऐसे माहौल में जहां पर उम्मीद कम थी, व्यावसायिक घरानों से जुड़े लोगों का 900 की तादाद में आना हमारे लिए खुशी की बात है। 3 साल बाद मैग्निफिसेंट एमपी का आयोजन हो रहा है। आज एग्जीबिशन की प्रदर्शनी लगी है, 18 अक्टूबर को ही मुख्य कार्यक्रम होगा। उन्होंने बताया 8 सेंशंस में उद्योगपति उपलब्ध रहेंगे। स्पेशल मीटिंग में 60 से 70 उद्योगपति उपलब्ध रहेंगे, जो देश के बड़े मीडिया समूहों से सीधा संवाद करेंगे। सीएस मोहंती ने बताया कि हम लोगों ने यहाँ भीड़ को नहीं बुलाया है, जो वास्तविकता में मध्य प्रदेश में निवेश करने की इच्छा रखते हैं उन्हें ही बुलाया गया है। औद्योगिक घराने से या तो नंबर 1 या नंबर 2 को ही भेजा जाए, ताकि निर्णय मौके पर लिया जा सके। उन्होंने बताया कि हमारा सेक्टर फोकस रहेगा, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसमें हमने कृषि कर्मण अवार्ड 5 बार जीता है। बड़े औद्योगिक घराने फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में निवेश करने जा रहे हैं, इससे हमारे किसानों को फायदा होगा। इस मामले में बड़ी तादाद में रोजगार भी आता है। मध्य प्रदेश में पिछले दिनों फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए अच्छा स्कोप रहा है। 222 ऐसी माइनिंग साइट्स है जिस पर काम नहीं किया जाता था। इसे लेकर उन्हें नोटिस जारी किया गया है कि आप माइनिंग चालू करें, नहीं तो किसी और को दे दिया जाएगा। सीएस मोहंती ने बताया टूरिज्म सेक्टर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। टूरिज्म सेक्टर में रोजगार की अपार संभावना है। ओमकारेश्वर, महंकालेश्वर, ग्वालियर, ओरछा, ऐसे कई शहर हैं जहां टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सकता है। सबसे ज्यादा वर्ल्ड लाइफ पार्क मध्य प्रदेश में है, इस सेक्टर पर भी ध्यान दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में फिल्मों की कई स्थानों पर शूटिंग की जाती है, लेकिन यहां आने वाले फिल्म से जुड़े लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसे ध्यान में रखकर मध्य प्रदेश में एक सेल टूरिज्म डिपार्टमेंट में खोली गई है, जिससे उन्हें कोई परेशानी न हो। फिल्म उद्योग को लेकर भी मध्य प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं। पहले समन्वय की और व्यवस्थाओं की कमी के चलते यह लोग यहाँ आकर काम नहीं कर पाए। यह काम हो पाता था, इसके लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट में एक सेल गठित किया गया है, जिसकी चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से मॉनिटरिंग होगी। उन्होंने बताया मध्य प्रदेश में टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री ने 10 घंटों तक बैठकर वाइल्ड लाइफ और हेरिटेज को लेकर संभावनाएं तलाशी। आने वाले वक्त में टूरिज्म सेक्टर में विकास को लेकर नतीजे दिखेंगे। मध्य प्रदेश पिछले वर्षों में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए एक प्रमुख डेस्टिनेशन रहा है। इंदौर के चारों तरफ तो आपको सबको पता है 400-500 छोटे छोटे उद्योग हैं, और इंदौर और देवास में बड़े बड़े उद्योग भी फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स के, तो फार्मा और हेल्थ केयर सेक्टर एक का हमारा फोकस एरिया रहेगा। पिछले 4-5 साल से टेक्सटाइल और गारमेंटिंग सेक्टर में मध्य प्रदेश ने काफी इन्वेस्टमेंट प्राप्त किया है, तो इसमें कॉटन, सिल्क और इन सब चीजों को मिला के गारमेंटिंग सेक्टर एंड टेक्सटाइल सेक्टर, जो कि ह्यूज एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल रखता है, उसको उसमें हम लोग फोकस कर रहे हैं। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग, जिसको ESDM बोलते हैं, इसमें भी हम लोग इन्वेस्टमेंट और चर्चा की उम्मीद करते हैं। अर्बन डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा हम लोगों का फोकस अभी है, क्योंकि 40% से ज़्यादा पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रहता है। और आप लोगों ने अभी भी देखा होगा कि 2 दिन पहले ही हम लोगों ने रियल एस्टेट पॉलिसी डिक्लेयर किया है, उसके बारे में मैं 1 मिनट बाद उसके बारे में बताऊंगा। रिन्यूएबल एनर्जी इस मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश में जो मेन कार्यक्रम होगा वो सुबेरे 11 बजे जो शुरू होगा, उसमें करीब 8 से 10 प्रमुख उद्योगपति हम लोगों से चर्चा करेंगे। और वो हैं श्री मुकेश अंबानी जी, जिनका मैसेज वीडियो कास्ट किया जाएगा, क्योंकि उनको बैक टू बैक बोर्ड मीटिंग्स होने की वजह से वो नहीं आ पाए हैं, परंतु वो वेबकास्ट करेंगे। श्री कुमार मंगलम बिरला, श्री आदि गोदरेज जो कि गोदरेज ग्रुप के हैं, श्री संजीव पुरी जो ITC के चेयरमैन हैं, श्री विक्रम किर्लोस्कर जो टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के हैं, श्री दिलीप सांगवी
जो कि संभवतः देश के सबसे बड़े फार्मास्यूटिकल ग्रुप के हेड हैं, श्री एन श्रीनिवासन जो इंडिया सीमेंट्स के हेड हैं, श्री रवि झुंझुनवाला एजीजी के चेयरमैन हैं, श्री चंद्रजीत बैनर्जी जो सीआईए के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, श्री राजेंद्र गुप्ता जो ट्राइडेंट के चेयरमैन हैं, श्री मार्क जेरोल लैप इंडिया से आ रहे हैं, श्री राकेश भारती मित्तल उपस्थित रहेंगे, श्री अमिताभ कांत जो नीति आयोग के सीईओ हैं वो रहेंगे। इस बार हम लोग जो मेन सेशन होगा जहां पे इंडस्ट्री के साथ इंटरेक्शन होगा